भैया होली स्पेशल अभी कुछ आया नहीं है क्या? लास्ट में नहीं देखते, हम तो साल भर बाद निकले हैं, है ना? होली स्पेशल अभी कुछ आया नहीं है क्या? लास्ट में
ये कितने के हैं भैया? 50 का मैम। 50? सारा आइटम 50 का? ये 100 है, बाकी चारों ये वाले 100। ये क्या ब्रेसलेट है? ब्रेसलेट 100। एक मिनट, ये कौन सी रबर है? वो जो पहले आती थी वो वाली है क्या? ओपन करिएगा इसको, जरा ओपन करिए इसको, रबर देखिए। ये वाली कितने की है? 50। ये भी ये 40 का है। एक ये वाली दे दीजिए, वो दिखा दीजिए हमको रबर बैंड। टूटेंगे नहीं। हाँ वही वाले ढूंढ रही हूँ। कितने का है ये? 50। दे दीजिए बिंदी। वो ओवल शेप वाली रखे हैं क्या? ऐसी अंडाकार होती है जो लगे हैं, देखिए। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम लोग गए थे शाम को मार्केट, और वहाँ से आने के बाद खाना खा लिया है हम लोगों ने, और अब मैं आपको दिखा दूँ अपनी शॉपिंग। और वहाँ की क्लिप्स तो आप देख ही चुके हैं, आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, बातें नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने की है होली की शॉपिंग। एक्चुअली गई थी मैं होली के पर्पज़ से ही कि ले लूँ कुछ कपड़े वगैरह। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं दिखाती हूँ अबरू के कपड़े, थोड़े से ही लिए मैंने, क्योंकि क्या है अभी तो जैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती रहती है ना, अगर सिचुएशन सब कुछ अंडर कंट्रोल रही तो फिर जा कर के शॉपिंग कर लेंगे, फिर ले लेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने इकट्ठे नहीं की, बिग बाज़ार ही गए थे। बिग बाज़ार में मुझे कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी लेना था, और मुझे लगा कि होली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई होंगी, बट अभी कुछ भी नहीं मिला मुझे इस तरह से कि जो स्पेशली मैं होली के लिए लेने गई थी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सिंपल क्लॉथ्स हैं, मैंने कहा चलो कुछ तो कुछ ले लेते हैं गर्मियों के। जैसे क्या होता है, बच्चे ना ग्रोइंग ईयर्स में हैं, तो जो है कपड़े उनके कितने भी आप ले लो वो छोटे पड़ ही जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है टी शर्ट अबरू का, ग्रे कलर में है, बहुत प्यारा सा। और इसमें देखिए यहाँ पे नीचे लाइनिंग, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। ये डमी पे लगा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने इसको ढूंढ के निकाला। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन होने के बाद इसको लिया मैंने। तो एक ये है, और एक ये हुडी वाला लिया है मैंने। ये भी अबरू का है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, बट ठीक है, क्योंकि उनको ना उनकी एज वाले जो कपड़े हैं वो नहीं आते हैं, उससे थोड़े से बड़े लेने पड़ते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। और एक ये भी मैंने हुडी वाला ही लिया है, स्लीवलेस, ये इस टाइप से। और एक ये लिया, समरी कलर्स हैं इसमें, थोड़े से अच्छा लग रहा था। और ये टी शर्ट, और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हैं, बहुत महंगे आइटम्स नहीं हैं, क्योंकि पार्टी वियर्स तो हैं बच्चों के पास, बस ऐसे कैजुअल्स ही मुझे लेने थे। और ये देखिए शेडेड, ये थोड़ा सा बिंदी बिंदी में है ना, अच्छा लग रहा था तो ले लिया। और एक ये लिया था इनके लिए, ये वाले देखे ना, तो बिग बाज़ार में बहुत सारे दिख रहे थे यार, तो ये मैंने लिया है हिंदी वाला कुर्ता। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि आप को दिवाली की इवनिंग पे या देखते हैं पहना देंगे। और ये बरमूडा लिया है, तो क्योंकि उनके पुराने बरमूडे सारे छोटे हो गए, तो ये दो ही मैं ले आई थी, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि फिर मैं कितने सारे चेंज करूँगी। तो कपड़े ले आती हूँ, कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार में सारी चीज़ें फिट आएँ, मुझे दोबारा चक्कर लगाना ही पड़ता है, तो देखती हूँ कब जाती हूँ। बट ये ना थोड़ा नी लेंथ से नीचे रहेगा, और वो क्योंकि पैजामा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं अब, और उनको बरमूडाज नहीं उतने पसंद हैं, तो मुझे लगा कि चलो ये वाले मे भी शायद उन्हें पसंद आए। तो ये हो गई गाइस अब्री की शॉपिंग। अभी इनको मैंने सैनिटाइज कर लिया है, बट वो नहीं किया है इसको, अभी अब्री को पहना के नहीं देखा है।
और ये लिया है मैंने अर्श के लिए कुर्ता येलो कलर का, और आपको दिखाऊं पास से मैं, ये कुछ इस टाइप का है, चिकनकारी टाइप का, और बहुत प्यारा लग रहा था यार ये कलर, अर्श के ऊपर अच्छा लगेगा येलो कलर। और अर्श ज़्यादातर कुर्ता जीन्स के साथ ही पेयर करते हैं, पहनते हैं बट वो जीन्स के साथ ही पेयर करते हैं, ऐसे उनको पजामा के साथ पहनना पसंद नहीं है। और अर्श के लिए मैंने बरमूडा लिया था, तो वाइट है ये पूरा का पूरा, लेकिन एक शिकायत है अब्र को कि उन्हें जिप वाले चाहिए पॉकेट, और जो कि इसमें नहीं है तो उनको दिक्कत होगी साइकिलिंग करने में, तो मुझसे नाराज़ हो रहे थे, मम्मा तुम्हें इतना तो ध्यान देना चाहिए था बट नहीं दिया ध्यान। तो ये वाइट कलर, तो अर्श के कलेक्शन में वाइट कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, पता नहीं क्यों अर्श का ऐसे कोई फेवरेट कलर नहीं है, बट हाँ मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मुझे, क्योंकि अर्श इतने नीट एंड क्लीन रहते हैं ना, तो लगता है हाँ वो केयर कर लेंगे अभी से नहीं बचपन से। और एक ये बरमूडा लिया है मैंने, बहुत प्यारा लग रहा है यार, है ना, बच्चों के ऊपर अच्छा लगता है इस टाइप का। और अनफॉर्चुनेटली चेन इसमें भी नहीं है, चेन कहीं नहीं है, और लड़का मेरी ना जान खा लेगा। और एक ये बरमूडा लिया है मैंने ग्रे शेड में, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, यहाँ बेल्ट एरिया है इसका, और आपको दिखाते हुए देख रही हूँ चेन इसमें भी नहीं है, तो मे बी शायद मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पॉकेट लेनी पड़े। और ये एक जैसा अब्र के लिए मैंने लिया था ना कुर्ता, कुर्ता स्टाइल का, वैसा ही ये पतिदेव के लिए लिया है वाइट कलर में, इसमें भी काका गागा लिखा हुआ है। तो ये इस टाइप के कुर्ते वो पहनते हैं घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके ऊपर ये कुर्ते। और ये फुल स्लीव्स में है, तो आप इनको फोल्ड करके पहनिए, बहुत स्टाइलिश लगते हैं, और गला इनका इस टाइप का होता है, तो ये भी अच्छा है। और काफ़ी सस्ते हैं यार, बहुत महंगे नहीं हैं। अब ये नहीं पता है कि इनका कलर कैसा निकलता है, क्योंकि बिग बाज़ार से मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है, अदरवाइज मैक से, लाइफस्टाइल से, पैंटलून से ही ज़्यादातर लेती हूँ मैं, और साल भर से तो कहीं से नहीं लिया है, ऑनलाइन ही लिया है जो भी। और एक ये उसी टाइप का कुर्ता अर्श के लिए लिया है, तो अर्श के ऊपर डार्क लाइट सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, अब्र के ऊपर भी। तो ये इसकी फुल स्लीव्स है, और ये इस टाइप का है, तो ये ना जीन्स के ऊपर पहन लो, बड़ा अच्छा लगता है बॉयज़ पे, और बिल्कुल इंडो वेस्टर्न लुक जो है क्रिएट होता है इससे। तो ये थी इतनी शॉपिंग, एक मैंने पूड़ी वाली छन्नी ली थी, और एक वुडन का वो लिया था पोटैटो मैशर, तो ये दो चीज़ें मैंने और इंक्लूड की थी किचन आइटम्स में, और कुछ नहीं लिया। और ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये अब्र के लिए मैंने दो वेस्ट खरीदी हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऐसी है ना, ये मिकी माउस उनको बहुत पसंद है, ऑरेंज कलर में है ये, एक ये है और एक ये है, ये भी है समर्स में पहनने के लिए, इसमें भी मिकी माउस बना है। तो अब्र को कार्टून कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, और इसी पैकेट में आया था, ये दो का कॉम्बो था, और यहाँ पे मैंने इसका बिल रख रखा है, क्योंकि शायद मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें बड़ी छोटी होंगी ना। और ऑनलाइन मैंने मंगाई थी कुछ चीज़ें, तो इनको मैं ओपन करके एक्चुअली देख चुकी हूँ, और ये परसों आई थी चीज़ें, तो सैनिटाइज करके रख दिया था। तो उसमें ये ना बच्चों के लिए, क्योंकि सर पे ना बहुत सारे कलर्स और वो पड़ जाते हैं ना, तो बच्चे उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं, तेल लगाते नहीं हैं, और लगा भी दो तो मम्मा कैसा चिपड़ू सा बना दिया है तुमने, तो देखते हैं होली का क्या सिनेरियो रहेगा। बट ये चीज़ें मैंने मंगा ली हैं, ये तो बस सेम टाइम मतलब यूज़ किया और थ्रो किया वही है, तो ये भी दो मुझे पेयर में मिल गए थे, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए मंगा लिया। और
ये अब्रू के लिए एक मैंने ये पिचकारी मंगाई है, ये कितनी देर चलती है, बट बच्चों की जिद रहती है ना पिचकारी चाहिए, तो अर्श की तो रखी हुई है, तो कहते मम्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पिचकारी विचकारी नहीं चाहिए, मैं कलर से खेल लेता हूँ। तो ये अब्र के लिए ली है, तो अब्र बहुत एक्साइटेड है, मम्मा दे दो मैं इसको पहन के टहल लूँ। तो ये इस टाइप की है, अमेजोन से लिया है मैंने इसको। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। और ये इसकी गन है, ये इसकी पाइप है, और ये इसमें ऐसे लग जाएगा। आई डोंट नो यार क्या है ये चाइनीज आइटम्स में, कब बंद होंगे सीरियसली। तो यहाँ से पानी भरेंगे और इधर से इसका है, और ये चलेगा कैसे यार, माय गॉड चलने का तो कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा ये है, राइट ऐसा है, ठीक है ये है। और इसी के साथ आए थे बलून्स भी, तो ये पूरा एक पैकेट में था, ये दो पैकेट बलून्स थे, और ये थी हैप्पी होली की कैप। तो वो उसमें देखने में अच्छी लग रही थी, बट ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ऐसी है हॉलो है बीच में, और ये लगे हैं जो फर ना, ये देखिए निकल के उड़ उड़ के लग रहे हैं मुझे। और ये पिचका दिया क्योंकि ये आइटम्स एक साथ आए हुए थे। तो ये है चीज़ें, और देखिए होली की जो भी शॉपिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते चलूँगी। तो चलिए फिर, ये वाला ब्लॉग अभी मैं भेज रही हूँ, और आप लोग चेक करिएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और अगर पहली बार है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।